हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मयूर जाधव। सो गाइज, आज हम एक आउटडोर शूट के लिए आए हैं और कल ही मेरे दोस्त विकी ने एक कैनन की लेंस खरीदी है, कैनन 18-135। तो आज हम इस लेंस का रिव्यू करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कैसी है आउटडोर के लिए, कुछ सिनेमेटिक वीडियो शूट करेंगे, फोटो शूट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज बिल्ड क्वालिटी की। तो लेंस दिखने में बिल्कुल क्वालिटी की लगती है और हाथ में लेते ही काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का फील आता है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है, काफ़ी ड्यूरेबल लगती है ये लेंस। ओवरऑल वेट यहाँ पे 515 ग्राम्स का है इस लेंस का। और आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट ग्लास एलिमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमें 7 एपर्चर ब्लेड्स मिल रहे हैं इसके अंदर और फिल्टर डायमीटर है 67 मिलीमीटर, यानी आप यहाँ पे 67 मिलीमीटर डायमीटर वाला कोई भी ND फिल्टर या फिर पोलराइज फिल्टर लगा सकते हैं। और भी यहाँ पे कुछ राइटिंग्स दी हुई है, कैनन जूम लेंस EFS 18-135। EFS यानी कि ये लेंस क्रॉप फ्रेम सेंसर के लिए बनाई गई है। यहाँ पे 7.5x जूम मिल रहा है आपको विथ वेरिएबल एपर्चर 3.5 to 5.6। इसका मतलब एपर्चर हमारा वेरी करने वाला है थ्रू आउट द जूम, 3.5 से लेकर 5.6 तक। और जूम रिंग बिल्कुल स्मूथ है गाइज, इसकी आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इसे जूम इन और जूम आउट करने में। तो देखते हैं गाइज इस लेंस पे यहाँ पे हमें क्या क्या लिखा हुआ मिलता है। तो सबसे पहले कैनन की ब्रांडिंग दी हुई है यहाँ पे और उसके नीचे EFS 18-135mm और यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज स्टेबिलाइजर नैनो USM। तो मैं इमेज स्टेबिलाइजेशन ऑन और ऑफ करके कंपैरिजन दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे। और भी हमें बिल्कुल नीचे यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस 0.39 मीटर, यानी कि मिनिमम फोकस यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और लेंस के बीच में 0.39, दैट इज़ 1.3 फीट का चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो हमारा सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। एंड आवर मैक्सिमम डिस्टेंस है इन्फिनिटी, यानी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस फोकसिंग के लिए, जो हमें काम आता है एस्ट्रो फोटोग्राफी में। बाद में लेफ्ट साइड को हमें दिए हुए हैं 3 स्विचेस, उनमें से पहला है ऑटो फोकस टू मैनुअल फोकस। आप अपना फोकस सेट कर सकते हैं मैन्युअली फोकस रिंग घुमा के, अगर आप मैनुअल फोकस सेट करते हैं तो। और आगे इस वीडियो में हम इसका ऑटो फोकस परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और उसके नीचे हमें इमेज स्टेबिलाइजर ऑन और ऑफ का स्विच दिया हुआ है, अगर आप हैंड हेल्ड शूट करते हैं तो आपको ये स्विच ऑन रखना है। उसके नीचे है लॉक बटन, इससे आप एपर्चर लॉक कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे लेंस माउंट की, तो यहाँ पे मेटल लेंस माउंट दिया हुआ है हमें जो काफ़ी अच्छा है, तो इससे हमारी लेंस माउंट जल्दी से वेयर आउट नहीं होगी। और हालांकि यहाँ पे कोई भी वेदर सीलिंग नहीं दिया हुआ है, तो अगर बारिश का मौसम है तो आपको ध्यान में रखना है गाइस, इसके अंदर पानी जा सकता है। तो अभी प्ले करते हैं कुछ सैम्पल फुटेज। तो कॉर्नर में मैं यहाँ पे फोकल लेंथ दे दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा आ सके इस लेंस के परफॉर्मेंस का। थोड़ा टाइम लगता है सब्जेक्ट को फोकस में आने में, लेकिन वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प रिजल्ट आपको मिलेगा। 50mm के ऊपर बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आपको मिलेगा। अभी ये सारे वीडियोस इमेज स्टेबिलाइजेशन ऑन करके निकाले हैं, अभी मैं दिखाता हूँ कंपैरिजन। अभी हमारा इमेज स्टेबिलाइजेशन है ऑन और आप देख सकते हैं बिल्कुल कैमरा शेक नहीं हो रहा है। अभी इमेज स्टेबिलाइजेशन करते हैं ऑफ, तो देख सकते हैं आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही हमने इमेज स्टेबिलाइजेशन ऑफ किया है तो आप देख सकते हैं कैमरा काफ़ी शेक हो रहा है। तो यहाँ पे हमने फोकल लेंथ रखा है 135 जो कि मैक्स है। अभी हम इमेज स्टेबिलाइजेशन ऑफ करते हैं तो वापस से हम देख सकते हैं कैमरा काफ़ी शेक हो रहा है। तो बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं इमेज स्टेबिलाइजेशन, आपने देखा। वापस रास्ते में गाइज हमें एक लिजर्ड नज़र आया, बहुत अच्छे से पोज देके वो बैठा था। तो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑटो फोकस ट्राई किया, लेकिन बहुत बार फोकस आगे या पीछे हो रहा था, तो ये मुझे थोड़ी कमी नज़र आई यहाँ पे। पर इमेज स्टेबिलाइजेशन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था इवन एट 135mm। तो कुछ देर बाद मैंने लेंस मैनुअल फोकस पे सेट की क्लोज शॉट लेने के लिए। तो अभी इमेज क्वालिटी टेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं गाइज जूम करके इमेज की हमारी जो एजेस है वो हालांकि थोड़ी शार्प नहीं है, थोड़ी कम शार्प है। तो ऑब्वियसली ये कोई प्राइम लेंस नहीं है, इसका जो शार्पनेस है वो थोड़ा सा कम यहाँ पे मुझे लगा एजेस पे।
लेकिन एक जूम लेंस के लिए ठीक ठाक है शार्पनेस इतना। तो जब भी आप फोकल लेंस 50mm के ऊपर रखोगे तो आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा और बोकेज भी मिलेगी देखने को। पोर्ट्रेट खींचने के लिए भी काफ़ी अच्छी लेंस हो सकती है ये। तो ओवरऑल लेंस काफ़ी अच्छे है दोस्तों, अगर आपको लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स एंड वाइल्ड लाइफ सब शूट करना है तो ये लेंस आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो अमेजोन पर ये लेंस आपको मिल जाएगी 30,000 में, तो इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। बहुत ही थकान भरा दिन था और अनफॉर्चुनेटली हम ऊपर वाटरफॉल के यहाँ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। बहुत ही फिसलन भरा वहाँ पे रास्ता था और हम वहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। होप यू एंजॉय द वीडियो गाइज। इफ़ यू डू देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।